खबर शामिल करते हैं। लसवेला के शहर विंदर से बिजली के सताए हुए लोग सड़कों पर निकल आए। तफसीलात के मुताबिक जिम्मेदार एक्शन कमेटी का विंदर में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बिजली की बंदिश और नजायज एवरेज बिल्स की वजह से जिम्मेदार सड़कों पर आ गए। अंजमन जिम्मेदारान के जिले वाइस चेयरमैन अब्दुस्तार रंगारिया, जिम्मेदार एक्शन कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद असलम सूरी, हारी तहरीक के चेयरमैन कॉमरेड मोहम्मद सलीम बलोच, जिम्मेदार एक्शन कमेटी जनरल सेक्रेटरी वडेरा मोहम्मद सुलेमान अंगारिया, घरेलू सार्फीन के रहनुमा डॉक्टर नूर मोहम्मद अंगारिया और जिम्मेदार एक्शन कमेटी के वाइस एग्जीक्यूटिव मोहम्मद रहीम जदगाल बलोच की क्यादत में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली विंदर पुल से शहर का गश्त करते हुए मुजाहरीन ने के इलेक्ट्रिक ऑफिस के सामने एहतजाजी कैंप कायम कर दिया गया। विंदर के सियासी समाजी सिविल सोसाइटी समेत दीगर जमातें रहनुमा और कारकुनान भी एहतजाजी कैंप में शरीक। एहतजाजी मुजाहरीन का कहना था कि इलेक्ट्रिक के आला हुकाम के बगैर और लसबेला की ज़िले बेख्तियार इंतजामिया से मुजाकरात नहीं करेंगे, अपने हकूक के हसूल के लिए एहतजाज जारी रहेगा, आगे चलकर लाहे अमल देंगे। ताहम इनका कहना था कि हमारे मसाइल को सीरियस नहीं लिया गया तो ज़्यादा देर तक पुरअमन नहीं रहेंगे, जिसकी जिम्मेदार की इलेक्ट्रिक और इंतजामिया वाला हुकाम होंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं इकबाल हसन अंगारिया।